Assalamualaikum, welcome to NH Vlog. So guys, बहुत welcome होता है आपको हमारे Real time. मैं जुम्मा मुबारक, आज जुम्मा था तो मैं जुम्मे को शूट कर रहा हूँ. नमाज की बात का सीन है कुछ. मैं आके सो गया था बट अभी उठ के दोबारा नहाया. मैंने कहा वीडियो बनाई थी, नहाया इसलिए वीडियो बनानी है यार. तो सीन कुछ ये कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा. क्या टाइटल है? तो कुछ गीदड़ों की कहानी सुनानी है. जो गीदड़ एक साथ हो गए, जो अपने अब्बू को भूल गए, अपने अब्बू को जो है वो पता नहीं कहाँ भूल गए. अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं. तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. आपने मेरा स्टोरी टाइम का पार्ट वन देखा होगा, फंडा हो गया का पार्ट वन देखा होगा. ये उसकी सीरीज का ही पार्ट वन है. तो ये स्क्रीन पे शो रहा होगा ये वाला. तो उसके बाद अब ये सेकंड पार्ट है. तो इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि ये क्या है. अच्छा, ये डिमांड रहती सेकंड पार्ट, और उसके बाद मुझे बनाना भी पड़ा बिकॉज उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है. अभी मजा आएगा ना भिड़. बहुत जो है ना मजा आया है उसके बाद. तो आपको सीन बताता हूँ. सीन में आपको शुरू से नहीं मिडिल से बता दूँ कि हुआ क्या है. अब सीन कुछ ये था कि जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले स्टोरी टाइम में बताया था कि देखते हैं अब कल क्या होता है. तो उसके अगले दिन की कहानी मैं आपको अब बताता हूँ. सीन कुछ ये हुआ कि बुध वाला दिन था, ठीक है, और 6 बजे थे कुछ. सेंटर की छुट्टी हुई थी, प्रैक्टिकल सेंटर की. ये वाला कोचिंग सेंटर है मेरा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली ब्रांच है. और ये जो गेट है इसमें बाहर निकल जाता है ना. तो उसके बाद यहाँ से मैं निकल के देखा, मैंने सामने तो मैं सामने एक फुटपाथ था, उसी के बिल्कुल पीसी के सामने. उसकी भी अगर पिक्चर मिली तो मैं शो कर दूँगा. सामने फुटपाथ पर मैं खड़ा हुआ था, एक चबूतरा टाइप कह लें, वहाँ खड़ा हूँ मैं. तो वहाँ पे मैं और मेरे 7-8 दोस्त ऐसे ना खड़े हुए थे हम लोग सब. वो बाकी दो कुछ दोस्तों के वो आ रहे थे, वो लेके चले जा रहे थे, जाए जा रहे थे. अब एंड में 3 दोस्त थे हम लोग. और अचानक से जो है ना शोर बजा. मैंने इधर देखा, कोई नहीं था. उधर देखा तो सामने एक लड़का, पिक्चर आपको दिखा देता हूँ. एक लड़का, उसकी ये पिक्चर है. ये लड़का आया ये ना भरम से, ऑटो ऑटो इसको उठाऊंगा, इसको लेके जाऊँगा. अच्छा, सेंटर का जो गार्ड है उसने रोका, हाँ भाई नहीं नहीं तुम जाओ. मुझे उसने पहले अंदर कर दिया, फिर वो अंदर घुसने ही कर रहा था ना. गार्ड को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ. फिर दूसरा गार्ड आ गया तो वो फिर पीछे हो गया. 2 गार्ड एक साथ आ गए ना. फिर उसके बाद जो है वो तो उस वक्त खड़े रहे. मैंने फिर अपने भाई को कॉल घुमाई, उन्होंने अपने दोस्तों को घुमाई. कोई 7-8 दोस्त उनके और भाई मेरे आ गए. 6:20 पर आ गए थे. तो जब तक वो जा चुके थे मुझे पता ही नहीं चला वो है नहीं. जैसे मैंने मारने के लिए देखा वो सारे गायब, कोई एक भी नहीं खड़ा था वहाँ पे. फिर उसके बाद हम गए मेन कैंपस, ये वाले कैंपस ना. यहाँ पे जो है इन्होंने इस वाले कैंपस में कंप्लेन हमारी लिखी. उन्होंने कहा आप कंप्लेन करें, हमने कंप्लेन कर ली. फिर वो जो 2 बच्चे थे ना जिन्होंने जिनका मसला चल रहा था, उनके फॉर्म की मैंने पिक्चर ले लिए. पिक्चर नहीं शो कर सकता क्योंकि उस पर उनका घर का एड्रेस लिखा हुआ है. करीब 7 सोसाइटी का यार एड्रेस क्या, और बाकी ईमेल वगैरह लिखे ना. तो इसलिए तो वो जो है मैंने पिक्चर ले ली दोनों की. और बाकी सीन कुछ ये हुआ था कि फिर हम लोग वहाँ से गए सीधा आबिद टाउन, हमारे घर की तरफ जगह है, ब्लॉक टू या ब्लॉक 1 लगता है वो गुलशन का. तो वहाँ पर हम लोग गए. तो वहाँ पे बैठे हुए चाय के होटल पे वो और वो उनका एक बड़ा भाई था. वो कॉल करके, भाई बड़ा भाई नहीं यही ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये कॉल करके हमको घुमा रहे हैं. पहले बोल रहे हैं डिस्को बेकरी आओ. तो हमने कहा चलो हम डिस्को आ जाते हैं. फिर कह रहे नहीं डिस्को नहीं, ढाका बेकरी आओ. हमने कहा चलो ढाका आ जाते हैं. फिर कह रहे डिस्को आओ. फिर मेरे भाई समझ गए घुमा रहे आओ कुछ नहीं है. मेरे भाई ने उसको बोला सुफियाना आ जाओ तुम. तो ये भाई साहब कह रहे चलो आता हूँ. 15-20 या 25 वेट किया, नहीं आया. आधा घंटा वेट किया, आया ही नहीं. 6 बजे सेंटर की छुट्टी हुई थी मेरी और मैं घर पहुँचाऊँ 8:30. हमने इतना वेट किया इसका, कोई भी नहीं आया. फिर एंड में जो है ना जब बंदे की तस्वीर दिखाई ना मुझे, मैंने हाँ यही था. कह रहा है भाई ये तो मेरे दोस्त का छोटा भाई है. मैंने कहा है ये सीन है तुम? कह रहे हाँ हाँ सच में. फिर उसके बड़े भाई को कॉल मिलाई हमने. वहीं पर बैठे बैठे चाय के होटल पर एक चाय का गिलास तक थी क्या वहीं पर. मैं बता दूँ गिलास उससे चाय होटल वाले ने कुछ भी नहीं बोला, उसकी भी कहानी है कि. तो उसके बाद जो है ना वो हमने उसको कॉल मिलाई. कॉल मिलाने के बाद जो है वो भाई साहब ने कॉल उठाई. कॉल उठाने के बाद बोला कि हेलो. तो उसने मतलब दोस्त से दोस्त में बात करते हैं, हाँ भाई कैसे ठीक है. बाद में बोला कि अयान तारिक तेरा भाई हो? तो उसने बोला हाँ हाँ मेरा भाई है. क्यों क्या हुआ? खैर फिर उसको भी पूरी कहानी बताई कि ये हुआ था. फिर उसके बाद जो है उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं समझा दूँगा उसको, आइंदा से ऐसे नहीं होगा. तो उसने कहा समझा देना फिर ठीक है, फिर आगे फिर हो जाएगा मसला अगर नहीं समझाया. उसने कहा हाँ टेंशन नहीं लो समझा दूँगा. फिर उसके बाद जो है ना 2 दिन 1 दिन गुजर गया ठीक है. कल रात में मेरे पास एक वॉइस मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, जो कि इस अकाउंट से आया था. अकाउंट भी शो कर देता हूँ मैं. वो कह रहा था बंदा
फिर उसके बाद जो है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, उसने कहा कि हेलो 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 तुमने जो यूट्यूब पर ब्लॉग डाला है ना उसमें मेरी तस्वीर आई है। अब तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि तस्वीर है, ये लड़का खड़ा है मोटा सा, ठीक है, इसके पीछे जो ऐसे यूं झाँक रहे हैं, इसे इतना आया कह रहा है मेरी तस्वीर आई है। मैंने कहा कहाँ आई है, मैंने जूम करके देखती हूँ नहीं आई, सिर्फ बस इतना सीधा है बाल और ये आँखें, कह रहे मेरी तस्वीर आई। मैंने कहा मैंने फिर जो है ना मेरे भाई, मैंने अपने भाई को बताया तो भाई ने कहा कि इसको बोलो कि कॉल करें, मेरे नंबर मैंने लिख दिया, कॉल अपने भाई का नंबर लिख दिया मैसेज में, तो मेरे भाई को शायद से कॉल करी होगी नहीं करी होगी, पूछूंगा मैं आज। और फिर उसके बाद यही रात के 1:30 बजे आए थे, मैंने इसको 2 बजे पर मैसेज किया कि कॉल ये नंबर, बाकी अभी रिप्लाई देखूंगा, हो सकता है बाकी आओ। और तो भाई यहाँ पे कहानी हो गई ख़त्म, ठीक है। तो अब जो मंडे का दिन है, मंडे को देखते अगर ये फिर आया तो उसके दिमाग में मतलब बात घुसी नहीं है, और अगर नहीं आया तो मतलब सही से बैठ गई है बात। तो यहीं पे हमारी जो फर्स्ट स्टोरी टाइम की सीरीज़ का पार्ट 2 घंटा हो गया, सीरीज़ का पार्ट 2 है समाप्त होता है, और बाकी सीन आप लोग के सामने सब बता दिया। बाकी जो वो आया था ना, जो ये लड़का था, ये मुझे उठाने के लिए आया था, आया इसी इरादे से था, लेकिन नाकामयाब हो गया बेचारा। कर क्या, आसान बात थोड़ी है किसी को ऐसे आओ उठा के ले जाओ, ये अभी बच्चे हैं, ये अभी कल के बच्चे हैं, सामने के बड़े हुए हैं। अब हम इसने हम आप क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अब हम अपने स्टोरी टाइम को एंड करते हैं, और ये हमारी स्टोरी टाइम यहीं पे ख़त्म होती है, और रोस्टिंग वीडियो का पार्ट 2 जल्द आ रहा है और आज ही आ रहा है, तो देखना मत भूलिएगा रोस्टिंग वीडियो का पार्ट 2 अंजुम भाई के बेटे पर जो बना रहा हूँ ना मैं। तो खैर सो गाइस, आई होप आप लोगों को आज की मेरी स्टोरी टाइम पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक लास्ट में करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लास्ट में कर लीजिएगा, बेल आइकन लास्ट में दबा दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।